आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। फूलबाग मैदान अयोध्या नगरी में राष्ट्रसंत मुनि श्री व्यासागर महाराज, मुनि श्री विजय सागर महाराज, मुनि श्री विनोद सागर महाराज, मुनि एलक्षरी विनियोग सागर महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव जिन बिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति माया के चल रहा है। महोत्सव के आज छठवें दिन बुधवार को मुनि आदि का प्रथम आहाचार्य ज्ञान कल्याणक समोसरण में खिली दिव्य ध्वनि मुनि श्री ने प्रतिमाओं को दिया सूर्य मंत्र। आयोजन में भोपाल के संगीतकार संजय कुमार ने भजनों का समागम भी बांधा। जैन समाज के वक्ता सचिन जैन आदर्श क्लब ने बताया कि मुनि आदिनाथ की दीक्षा के उपरांत आदिनाथ आदि कुमार का प्रथम आहार का दिन आता है। मुनि श्री आदि कुमार आहार के लिए हस्तिनापुर नगरी पहुंचे, जहां लगभग 6 माह तक मुनि श्री आदि कुमार को आहार प्राप्त नहीं होता है और फिर 6 माह के पश्चात मुनि आदि कुमार की आगवानी के लिए खड़े लोगों ने एक स्वर में बोला, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो। यह सुनकर मुनि आहार के लिए आ गए और पंडाल में युवराज राजा श्रीयांश सिंगई बीमल पूजा जैन और राजा सोम कुशाग्र दिशा जैन ने आहार देने के लिए तैयार होते हैं और मुनि आदि कुमार को 6 महीने उपरांत हस्तिनापुर में विधि मिल जाने पर इच्छु रस से भगवान को मुनि अवस्था में सैकड़ों लोगों ने आहार करवाया। महिला पुरुष कतार में एक एक करके आ रहे थे और भगवान की प्रतिमा को आहार दान दे रहे थे। आज भी नहीं बोल पाए तो तुमसे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जो भी वस्तु जो सामग्री आपके पास है वो कह दीजिए भगवान यही ले लो, जो आपके पास है पैसे वैसे सभी 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 हे स्वामी। हमारे महल में चलो, हमारे महल में प्रेम से रहियो, हमारे साथ रहियो। हे महाराज भेंट लो, भेंट पूरा सोना चांदी ले लो, सब कुछ आपका है, पर आओ तो खुश तो हो जाओ। विजय साहब को नहीं दिलाएंगे, सब आप ही को देंगे। बेसा खुश हो रहे हैं कि लाओ सब सब आपके ये है। ये हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे लोग बड़े चिंतित हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये भी तो आ जाना चाहिए। 8 महीने हो चुके, हमारे राजन ने तो अभी तक भोजन नहीं किया, सभी अपने अपने में व्यतीत हैं, सोच रहे हैं कि महामुनिराज फिर से हमारे बीच में पधार रहे हैं। नहीं अभी नहीं, हे महाराज, हे महाराज आइए, महाराज आइए, महाराज मेरा सोने का हार। इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, सब लोग कुशाग से, सब लोग कुशाग से, सब कुछ ले लीजिए महाराज, कुछ तो खाइए महाराज। सभी अपने दोनों हाथ जोड़िए विनय पूर्वक और सभी बोलेंगे हे महाराज। विमल कौन सा राज देना चाहिए? ग्वालियर का। हाँ भगवान ग्वालियर का बहुत सा किला है, ले लो। देखो टूंगला वाले और विमल भाई साहब ध्यान से सुनो, महाराज के मंच पे बोल दिया है जब टेकनपुर के बीच में गुरुदेव का स्थान बने तो उसमें कुछ ना कुछ राज जरूर देना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए बोलिए, हे प्रभु एक बात तो देखिए, आप तो देख ही नहीं रहे हो। और देखिए 12 महीने हो गए और देखिए, और देखिए 13 महीने हो गए और हम देखेंगे 13 महीने 1 दिन हो गया, ये कदम 13 महीने 2 महीने हो गए, 13 महीने 4 दिन हो गए।
शुद्धि, बदन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे महामुनिराज, हमारे घर में पधार कर हमें और हमारे घर को धन कीजिए। आइए स्वामी। हाँ, अब आप लोग भी आओ। और देखिए, अब जितने भी खड़े हैं वो बैठ जाए, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जितने भी खड़े हैं वो बैठ जाए। एक सुनो दूसरा, दूसरा मुझे बड़ा खड़े हो, उसके ऊपर टेबल पर ना चल जाओ। महाराज जी, जितने भी स्वामी, नमोस्तु 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 नमोस्तु, हे स्वामी, हे स्वामी, उच्चासन ग्रहण कीजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। हाँ, और देखिए महामुनिराज, राजा श्रेयांश बड़े भाई और राजा सोम छोटे भाई की के विनय सुनकर के भगवान जी ने उच्चासन ग्रहण कर लिया। अब दोनों भाई मिलकर के उनकी पत्नियां जल डालेंगी और उनके पैर धुलाएंगी। अब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण छोटा भाई संजय का भाग जग गए, ऐसा करो जतन महोत्सव में पूर्व मंत्री माया सिंह जी व पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने पहुंचकर मुनिराजों के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। आयोजन समिति के डॉक्टर बीरेन्द्र गंगवाल अरित बरैया अध्यक्ष, सिंगई महेश गुरु महामंत्री पवन जैन संयुक्त अध्यक्ष, विकास गंगवाल स्वागत अध्यक्ष, विमल जैन, विनय कासलीवाल कोषाध्यक्ष, बीरेन्द्र जैन, पंकज जैन ने महिलाओं ने साफ फा व दुपट्टा उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया। और जितेंद्र कुमार जी हैं क्या? जितेंद्र कहाँ हैं? यहाँ सामने। और वो कहाँ हैं? आरती। उन्होंने और जितने लोग पंडाल में आए, यहाँ आके देखा कि हमारे बीच भोपाल से आए हुए सुनील भैया सबको थिरका रहे हैं, सबको भगवान की बहुत भक्ति में सब इतने डूबे हुए थे कि मानो कि ये पूरा धरा एक सजा हुआ है। इसलिए मैं गुरुवर के चरणों में नमन करती हूँ और
जैसा कि यहाँ मंच से कई लोगों ने कहा कि अगले चतुर्मास में भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगले चतुर्मास भी हम लोगों को मिले, ये सौभाग्य ग्वालियर के सभी वासियों का रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आयोजन करे लेकिन ग्वालियर के हर नागरिक का सौभाग्य मैं मानती हूँ कि होता है। तो निश्चित तौर पर जब इस बहुत ही भव्य मंच से, पवित्र मंच से ये बात आई है, तो निश्चित तौर पर हम सब आने वाले समय की तैयारी करें, क्योंकि सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। और जैसे महाराज जी ने कहा कि कोरोना को हम लोग अभी कोस रहे थे, लेकिन हम लोगों को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि सौभाग्य मिला कि दो बार यहाँ पुण्य आयोजन और इतना भव्य आयोजन, कहते हैं कि महा आयोजन का हम लोगों को सौभाग्य मिला। इसलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। महाराज जी के चरणों में चरणों में मैं नमन करती हूँ। इस पवित्र मंच पर मेरी इच्छा थी कि हम उन्हें सुने, उनको हम पूछते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। और मेरा बोलने का मन नहीं था, लेकिन महाराज जी का आदेश, उस आदेश के पालनार्थ में यहाँ खड़ी हुई। और कहना चाहूंगी वीर सागर जी महाराज से कि महाराज, हम सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और जिस तरीके के वातावरण में सभी लोग काम करते हैं, उसमें हमारे अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, हमारे अंदर बुराइयां भी होती हैं। पर इस तरीके से आपके पवित्र चरण हमारी धरती पर जब यहाँ पड़ते हैं तो मन खिल उठता है, शुद्ध होता है, बेहद खुशी होती है, बेहद प्रसन्नता होती है कि आपके मुखारविंद से हम कुछ यहाँ से लेकर जाएं और उसके ऊपर हम लोग अमल करें। और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे पुरानी बात यहाँ याद आ रही है, आज हमारे बीच में श्रद्धेय स्वर्गीय राजमाता जी नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ बहुत बड़ा जैन समाज का जो कार्यक्रम हुआ था राजस्थान में, वहां गई थी, और मैंने जब उनको देखा, उनकी श्रद्धा को, और जिस तरीके से उन्होंने थाली लाकर उनके चरण धोए और उस जल को उन्होंने अपने माथे से लगाया, आज मेरे को बैठे बैठे वही बात पुरानी याद आ रही थी। और आज मैं यहाँ आप, इसीलिए मैंने कहा था कि आपके सामने बोलने के लिए मेरे शब्द जो है मुंह से नहीं निकल रहे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपकी श्रद्धा करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, और हम आज इस मंच से आपका आशीर्वाद लेने, आपको सुनने के लिए, ताकि भविष्य में हम आपके शब्दों के अनुरूप समाज के हित में अच्छे कदम उठा सकें। ये आशीर्वाद महाराज से आप हम सबको दें, ताकि हम ये अच्छे कार्य करके समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मैं बेहद खुश हूँ यहाँ आपको, और यहाँ तो आपकी श्रद्धा में इतने सारे सभी लोग सामने बैठे हैं, मैं उन सबका भी अपने दिल की गहराइयों से सम्मान करती हूँ। और ये कहती हूँ कि भाई, ये भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में जो हम पूजा और श्रद्धा अपने गुरु की करते हैं, उसे मैं यहाँ देख रही हूँ। बस इतना ही कहकर मैं पंचकला के मौसम में भव्य समोसरण की रचना की गई। समोसरण में गरदर के रूप में मुनि श्री व्यासागर
ने दिव्य ध्वनि में बोलते हुए कहा कि भगवान के उपदेश देने की सभा का समोसरण कहते हैं, जहां पर सभी को समान रूप से आत्मकल्याण का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य देव भूत एवं निर्भय सभी भगवान के अपना प्रभाव रहता है। गाय और शेर सांप कोयला अपने सारे बैर भाव को भूल जाते हैं। वहीं नगरी के लोगों की दुख्या का समाधान मनुष्य ने किया। माधवी जैन बने। समोसरण की आरती दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर के अध्यक्ष विकास संरक्षक विकास गंगवाल, निर्मल पाटनी, अनिल शाह, संस्थापक अध्यक्ष अंकित पाटनी व अध्यक्ष पुलक, शिल्पी सचिव विपिन सुनीत व हितेन जैन ने उतारी। और स्वागत अध्यक्ष भी कि पूरी टीम जो है, इस टीम ने क्या किया, बल दिया, जिससे भी महाराज जी ने रुपये हिंट की तो किसी ने ना नहीं कहा और मैं पूछता रहा और किसी को मैंने जबरदस्ती कह दिया बनाओ तुम्हें ये बनना है, ठीक है महाराज। अब मैं रोज पूछता हूँ कैसा लग रहा है, महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, आपने तो हमारे भाग खोल दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने वजन बढ़ा दिया, जबरदस्ती कह दिया, आपने तो बन गए तो बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना, ये कॉल ऑफ एक्शन शानदार तरीके से, भले ही कोरोना हो पर कोई कमी नहीं, उन्होंने ऐसे चतुर्मास करवा करके दुनिया को दिखा दिया गुरु भक्ति दिल में होना, ऐसे दो चतुर्मास करवा करके सुनाया। और काका जी विकास गंगवाल जी, नमन पाटनी जी, हमारे पुरम गायता मनोज जैन पंडित भरैया जी, बाबा पंकज लाला राजू ना, ये हमारे विमल जी, प्रदीप मामा, भले वो यहाँ नहीं है पर उनका पूरा पूछते रहेंगे, खबर लेते रहेंगे और वहीं सहयोग करते रहेंगे। प्रदीप मामा जी, बालचंद जी जो देखिए इन पांच दोनों को यहाँ नहीं आए, एक भी दिन नहीं आए, अपने मुकेश जी, भरैया जी, सब लोग बराबर सभी को भोजन कराने में, को बोलिए ना कि दूसरा दूसरी बार देखो धर्म प्रभावना चल रही है ना, इस प्रकार से और भी छोटे छोटे बच्चे हमारे तीन तीन सोशल ग्रुप हैं, अंकित पैटो ग्रुप है, एक हमारे जागृति मंच है, एक इंटरनेशनल मंच है सुरेंद्र दीक्षित का, सभी हमारे राजेश लाला का मंडल, जो कोई भी साधु आए जाए तुरंत पहुंच जाए, ठंड हो चाहे गर्मी हो, वही जिम्मेदारी देती है कमलेश जी, ममता जी, मधु जी का जो मंडल है उनकी सेवा सराहनीय प्रशंसनीय काम है, उन्हें हमारी दुनिया ऐसे ये पावन पुनीत अवसर जो हमें मिला चातुर्मास का, हमारे महेश गुरु जी एक रीढ़ की हड्डी है हमारी प्रभावना की, जहां आप देखें संगपति मैंने उनको बना के रखा है, और हम देखेंगे वह जब महाराज जाते हैं और कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले वो एक ही बात बोलते हैं कि प्रोग्राम बिहार सागर जी महाराज की लेवल का ही होना चाहिए, और आप पैसे की चिंता मत करना, कैसे कैसे की कमी कहीं भी आए मैं बैठा हूँ कुर्सी डाल करके, आप बता देना क्या करना है ना महानुभाव, एक इतनी हिम्मत कि दे देता है पर अपन आंख बंद करके कोई काम कर लेते हैं कि मुझे मालूम है कोई तो है हमारे पीछे, कोई टेंशन नहीं। अब महानुभाव इसे पंडाल पूरा अपन देख रहे हैं, पूरा क्या है ये अयोध्या, और अयोध्या नगरी को सजाने वाले कौन है, हमारे महेश गुरु जी, और कल जो गजरथ चलेगा गजरथ को चलाने वाले कौन हैं, हमारे अनिल जी, अनिल जी जैन, आर्यन कॉलेज, दीपिका जी, सुनील जी, आयुषा जी, शांति देवी, पूरा परिवार। अब वहीं अपन देखेंगे एक सुंदर सलोना जोड़ा सौधर महेंद्र का, कहाँ है सौधर जी, तो छाको यहाँ देखिए हमारे सौधर महेंद्र जी को एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखिए जिनको मैंने 2 साल क्या 2007 से लेकर के 2022 में चल रहा है पहली बार देखा, और जब पहली बार मुलाकात हुई पहली बार में ही मैंने उनको सौधर मित्र बना दिया।
पहली बार चौका, पहली बार आहार, पहली बार में ही सीधे सीधे उन्होंने छक्का मारा और सीधे हटिया 14 रन का पद लिया। और वहीं हमारे कुबेर सिंह तो हैं, कुबेर सिंह जी भगवान के पिताजी नाभी राय जी महायज्ञ मुनिश्री बीरसागर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित कुमार शास्त्री एवं सह प्रतिष्ठाचार्य पंडित चंद्र प्रकाश जैन, अरविंद जैन, सुनील भंडारी, शशिकांत शास्त्री, ज्योतिषाचार्य हुकुम चंद जैन के मार्गदर्शन में पंच किरणक महोत्सव में भगवान पार्श्वनाथ, धर्मनाथ, वासुपूज्य, आदिनाथ, 24 विशाल प्रतिमा एवं अन्य प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र कर उनको केवल ज्ञानोत्पत्ति कर प्राण प्रतिष्ठा क्रियाएं की गई। सब जीव सत्ताण अपराजते भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीम चौकोशिला कहाँ है? चौकोशिला है। जय हो जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, तुमको है नमन। जय हो जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन। जय हो जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है जमी। सांस सबकी है जमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी। हमको दुनिया में कमी, कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। तेज है सूर्य सारी खार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी ही लगन हमारी तुम पे जा निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। Yeah.